नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। बुलंदशहर में हनी ट्रैप का मामला, पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोग किए गिरफ्तार। गिरोह की सदस्य ने महिला द्वारा शिक्षक को प्रेम जाल में फंसवा कर बनाया था अश्लील वीडियो। वीडियो के आधार पर शिक्षक को ब्लैकमेल करके 15 लाख वसूलना चाहते थे आरोपी। पीड़ित ने पहले ही 50,000 रुपए वसूल चुके थे आरोपी। पुलिस ने मामला दर्ज कर की कार्यवाही। पुलिस ने वसूले गए 50,000 के साथ 5 लोग किए गिरफ्तार, एक अभी भी फरार। बुलंदशहर की जहांगीराबाद पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने हनी ट्रैप का मामला पकड़ा है, क्या है पूरा मामला? ये जहांगीराबाद थाने में एक सांखनी गांव है, जहां के रहने वाले मुख्तार अली पुत्र रियासत अली, इन्होंने पुलिस को एक अप्लीकेशन दिया कि इनके भाई लियाकत को एक षड्यंत्र के तहत हनी ट्रैप में फंसाया गया और उनसे 15 लाख रुपए की मांग की गई। उनकी इस सूचना पे मुकदमा लिखा गया है जहांगीराबाद में, क्राइम नंबर 470/2022, 342, 386, 504 और 506। और उनकी इस तहरीक के आधार पे 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 4 पुरुष हैं और 1 महिला। कहानी यहां से शुरू होती है कि बंटी नाम के हैं और उन्होंने एक महिला को, जो अपने पति से अलग रह रही है, उसको ये लालच दे करके कि लोगों को देखते हैं कि जो नीडी टाइप के पर्सन हैं, लालची हैं या पैसे वाले हैं, उनसे इस महिला से बात करवाते हैं, अश्लील वीडियो या फ़ोटो तैयार करते हैं स्क्रीन शॉट के माध्यम से और फिर उससे पैसे वसूली का धंधा इनका शुरू होता है। इस शिकायत पे जब इनको पकड़ा गया तो इनके पास से 50,000 रुपये नगद जो उससे लिए थे और 5 मोबाइल बरामद हुए हैं। जहांगीराबाद इंस्पेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम ने कार्यवाही की। सर, कितने लोग टोटल इसमें गिरफ्तार हुए और कितने रुपए की इन्होंने रंगदारी मांगी थी? इन्होंने 15 लाख रुपए उससे मांगे थे कि 15 लाख रुपए दो, नहीं तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी तहस नहस हो जाएगी। और इनके पास से मौके से 50,000 रुपए, 5 मोबाइल बरामद हुए हैं अभी तक। और छानबीन की जा रही है, ये 5 तो गिरफ्तार हुए हैं, इनका एक साथी जो अभी फरार चल रहा है उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और सर्विलांस के माध्यम से और भी जो जानकारियां आएंगी, अगर उसमें कोई भी इन्वॉल्व होगा तो उसके विरुद्ध भी ये कार्रवाई होगी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।